रामझूले के दूसरे पुलिया के निर्माण में हो रही देरी को लेकर रागापा के पदाधिकारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकर्ताओं ने बताया कि भाजपा सरकार कांग्रेस पर स्लो वर्क करने का आरोप लगाती थी, लेकिन आज उन्हें भी इस पुलिया के निर्माण में काफी समय लग रहा है, जिससे कि जनता को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन का इशारा भी दिया है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेकू सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेकू सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फडणवीस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो विजय असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेट्रो का काम चालू है, रास्तों का काम चालू है, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। और जो राम झूला है, हम देख रहे हैं कि राम झूला का काम कई वर्षों से चालू है, और अभी जो दूसरे भाग का जो काम चालू किया गया वो आधे में ही कहीं तो रोक दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ना ढंग से मेट्रो का काम हो पा रहा है, ना राम झूले का काम हो पा रहा है। हमारी मांग यही है कि राम झूले का काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट के प्रमाण बढ़ गए हैं। और अगर हम जब राम झूले के तरफ इस साइड से जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि राम झूले के नीचे का जो साइड है वहाँ पूरे झाड़ तक खड़े हो गए हैं। मतलब ये सरकार क्या नींद में है क्या? वहाँ झाड़ खड़े हो रहे हैं, बीच में काम रोक दिया गया है। तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकी चीज़ों के काम चालू हो रहे हैं, मेट्रो का भी काम इतनी स्पीड से हो रहा है, बट राम झूले का काम इतने दिन से बचा हुआ है और वो टोटली बंद कर दिया है। जो सेकेंड फेज का जो काम है वो टोटली बंद है। वो चक्कर में मेयो हॉस्पिटल से लेकर रेलवे स्टेशन तक का पूरा एरिया इतना ब्लॉक हो जाता है मेट्रो के काम की वजह से। बहुत ट्रैफिक रहता है, कभी हॉस्पिटल वहाँ पे है तो इमरजेंसी कुछ केसेस रहती है तो किसी की जान जाने की भी चांसेस है। वहाँ पे कॉलेजेस के भी एरिया है तो बच्चों के पेपर रहते हैं तो वो भी चक्कर में वो लोग लेट हो जाते हैं। तो वो लोगों ने वो चीज़ों का भी सोचना चाहिए और राम झूले का काम जल्द से जल्द करना चाहिए। और बस ये चीज़ के लिए हम पूरे राष्ट्रवादी वालों ने आज आंदोलन किया है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर के तरफ से यहाँ राम झूला के पास में आंदोलन किया गया। आंदोलन करने का मकसद यही था कि एक फेज जो बना है लक्ष्मण झूला का, उस सेकेंड फेज अभी तक बना नहीं है, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है, ट्रैफिक जाम होता है, रेलवे स्टेशन लोग समय पे नहीं पहुंच पाते, पास में ही मेयो हॉस्पिटल है, लोगों के रेसिडेंस है जहां लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की ओर से आज हमने राम झूले को लेकर एक आंदोलन किया है। तो बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस बहुत ढीले तरीके से काम करती है, तो जिस तरह कांग्रेस से ढीले ये उन पर आरोप करते थे, लेकिन बीजेपी का भी काम कोई फास्ट नहीं है। इतने सालों से राम झूले का काम अधूरा पड़ा हुआ है और ये जल्द से जल्द काम करने का, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये बनाएंगे, मेट्रो के काम भी जगह जगह इन्होंने खुदाई करके रखे, राम झूले का काम भी अधूरा पड़ा है। यहाँ पर चार चार घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसमें आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतें होती है। तो ये चीज़ जल्द से जल्द इन्होंने तैयार करना चाहिए। जिस रास्ते पर ये, जिस काम के लिए ये इन पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस वाले ढीले तरीके से काम करते या कांग्रेस सही तरीके से काम नहीं करते, सेम उसी तरीके से बीजेपी में भी कोई रफ्तार नहीं दिख रही। इनका पूरे पूरे झूठे आश्वासन, झूठे तरीके, सीमेंट रोड आधे आधे बने हुए।